जब जूनियर अपना जूनियर अपने को ज्ञान देने लग जाए ना, तो भाई उसके जैसा खेल गार्गी ने आज हमारे लिए लाया है। बताओ बेटा कैसा का खेलते हैं उसको। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। नया दिन, नई शुरुआत। थैंक यू भगवान जी ये दिन दिखाने के लिए। करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। ये जो कल मैंने किया था, देखो ये अभी इसने पकड़ लिया है, इस ये प्लांट ने अभी इस जो आपने लगाया था सपोर्ट, इसको पकड़ लिया है। देखो यहाँ पे अच्छे से पकड़ लिया है। तो इसको सपोर्ट ही चाहिए था तो ये गिर जा रहा था नीचे। अभी आराम से इसको पकड़ लिया है। शायद इसको ना इनसे फ्लॉरिंग के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि फ्लॉरिंग कितनी जल्दी होगा, बट यस चांसेस है कि फ्लॉरिंग हो जाएगा। आप मेरा देख के समझ ही गए होंगे कि अभी मैं तुरंत उठाऊँ। मेरा नींद नहीं खुला था, 6:30-6 बजे नींद नहीं खुला। रात में सोने के लिए बहुत लेट हो गया था। हम 10:30-11 बजे तक नीचे बैठे थे और ऊपर आए। आपका जो वीडियो था कल का वो एडिट किया, तो आज इस टाइम जब मैं शूट कर रहा हूँ, आज के डेट में पब्लिश हो जाएगा। तो बस बैठे थे नीचे एडिटिंग करते आए। मुझे 12:30-12 बज गए सोने में। बट यार, जब आप एग्जॉस्ट हुए हो और आप प्रॉपर नींद नहीं हो, तो जिस चीज़ के लिए आप सुबह सुबह उठ के जा रहे हो, उसके लिए आप फुल कॉन्सेंट्रेशन या फुल एनर्जी नहीं दे पा रहे हो। वैसे भी मेरा डाइट पे चल रहा है तो उतना एनर्जी नहीं रहता है। तो मैंने आज स्किप कर दिया। कल अच्छे से मेरा वर्कआउट हुआ था चेस्ट का, यानी एक दिन स्किप कर दिया। अभी थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। बहुत सारा रेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा नहीं बहुत सारा रेस्ट हो रहा है। और उस हिसाब से अभी चलते रहा तो नहीं लगता है मुझे कि मैं ग्रेजुअली वेट जल्दी, जो मेरा टारगेटेड वेट है वो मैं जल्दी अचीव कर पाऊँगा। बट यस, थोड़ा उसमें धीरे धीरे मुझे इफ़ेक्ट आना शुरू हो चुका है। वेट मशीन पे भी वेट उसका इफ़ेक्ट आ रहा है। थोड़ा ज़्यादा नहीं है, बट जो 90 kg का वेट मुझे दिखा रहा था वो अभी ड्रॉप हो चुका है। 500-600 ग्राम में, उस वेट में 500-600 ग्राम का डिफरेंस आया है पिछले 15 दिन में। यानी हम धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहे हैं। सडनली नहीं करना है। अगले 4-5-6 महीने में मैं जो मेरा टारगेटेड वेट है 70-74 kg वो मैं अचीव कर लूँगा शायद, होपफुली। मैं ट्राई करूँगा, बट बीच बीच में ऐसे कुछ चीज़ें आती रहती हैं तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट होते रहता है। बट नेवर माइंड ये चीज़ें चलती रहेगी। तो अभी रश करते हैं। अपने कल जाके नीचे से उसका पैकेट लाया था, कॉफ़ी का पैकेट लाया था, उसको खोलते और कॉफ़ी पीते हैं और माइंड फ्रेश करते हैं। गाइस चलो निकलते हैं। अभी हो गए 9:15 से पहले मुझे मेरा मार्किंग कर लेना होता है। अभी निकलते हैं पटक से। कुछ बातें करनी थी, बट बीच में थोड़ा एडिटिंग करना बाकी था, वो कंप्लीट कर चुका हूँ। वीडियो आपको अभी देखने के लिए मिल जाएगा 10-15 मिनट में। और आज का दिन है, मुझे नहीं लगता है कि उतना टेंस फ्री जाएगा। टेंस वाला डे है आज, बट चलो इसको भी मैनेज कर लेंगे और पटक से निकलते हैं। और अगर वक्त मिला बीच में तो बातें करते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड। जब जूनियर अपना जूनियर अपने को ज्ञान देने लग जाए ना, तो भाई उसके जैसा दुनिया में ना हम मुझे ना आनंद सेटिस्फैक्शन कहीं नहीं यार। मेरा एक जूनियर था, मेरा बंदा था, मेरा एसएम था, आज वो मुझे लेसन दे रहा है कि सर लाइफ में क्या करना चाहिए, बिजनेस कैसे स्टार्ट करना चाहिए। यार आई एम रियली प्लीज्ड कि यार वो बंदा मुझे आज बता रहा है कुछ चीज़ें, और मैं सही में एकदम शांति से मैंने वो सारी चीज़ें को सुना, सही में सुना मैंने उस चीज़ों को। आई एम रियली ग्लैड टू शेयर दैट कि मेरा एक एसएम मुझे रिपोर्टिंग करता था आज। हे गाइस, आपने मेरा अभी जो क्लिप मैंने लगाया है आपने वो देखा होगा, आधा हो गया क्योंकि उस टाइम पे एप्पल ने धोखा दे दिया और वो स्विच ऑफ हो गया था। तो मैं ये कह रहा था कि वो मेरा बंदा था, मेरा एसएम था, और उसने सब नौकरियां छोड़ के, नौकरियां यानी मेरे यहाँ से वो
और एक रेपुटेड बैंक में गया था, वहाँ से उसने वो जॉब छोड़ा और बिजनेस किया। मैं इतना खुश हूँ उसके लिए जब उसने बोला कि सर मैंने साल में 40 लाख रुपीज़, नॉट शॉर्ट अमाउंट, छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है। और मैं इतना खुश था, वो मुझे लर्निंग दे रहा था, मुझे बता रहा था कि सर कैसे करना है बिजनेस, सर आप रिस्क ले लो, रिस्क लेने के बाद ही आप कुछ कर पाओगे, अगर रिस्क नहीं लोगे ना सर तो आप कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो मेरा जूनियर था, उसने मुझे इतना बड़ा सीख दिया, मैं इतना खुश हूँ। अगर वो मेरा वीडियो इन फ्यूचर देखेगा, अभी मेरा सब्सक्राइबर है नहीं है मुझे पता नहीं, अगर ये वीडियो उसने फ्यूचर में देखा तो मैं उसको कहेंगे यार बेस्ट लक और थैंक्स फॉर मोटिवेटिंग मी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज उससे बात किया, डेढ़ घंटा में उससे साथ बात कर रहा था, खाली वो बोल रहा था और आज मैं शांति से सुन रहा था। पहले क्या होता था, मैं बात करता था वो बेचारा सुनता था। एक बार एक केस हुआ था, उस केस में मैंने उसको बहुत डांटा था, बहुत स्कोल्ड किया था, बट यस उस टाइम मैंने उसके लिए ही बोला था क्योंकि उसका फ्यूचर था, उसका करियर था, प्रोफेशनल करियर था, वो अच्छा ग्रूम हो जाए, अच्छे के लिए डांटा था। उसका रिजल्ट वो आज मुझे, उसने मुझे उसका रिवॉर्ड दे दिया, आज उसका रिटर्न गिफ्ट दिया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम और मैं उसको कहूँगा बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर, ऐसे ही तरक्की करो। मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे तरक्की कर करके बड़े इंसान बन जाओ और मैं एक दिन तुम्हारे पास आऊँ और बोलूँ राहुल सर कुछ हो तो जॉब दे दो। अभी गार्गी पी रही है दूध, बताओ गार्गी, देखो गार्गी कैसे दूध पी रही है। गार्गी को स्ट्रॉन्ग गर्ल बनना है इसलिए वो दूध पी रही है, और हमको फैट लॉस करना है इसलिए हम कॉफ़ी पी रहे हैं। खाना खा के अभी निकलते हैं बाहर। आज डिनर में था चावल, खिचड़ी, मसाले भात, खिचड़ी नहीं मसाले भात था। रात को कार्ब्स नहीं खाना चाहिए एग्जैक्टली एक्चुअली, बट आज हमने जो शूट किया उसके वजह से उतना वक्त नहीं था कुछ और बनाने के लिए, इसलिए तेजू बोले कि यार ये सिंपल है, चावल चढ़ा देती हूँ, तीन चार कुकर की सीटियाँ हो जाएगी और मैटर क्लोज हो जाएगा। तो ठीक है बोला भाई, क्योंकि उसका आज फास्ट भी रहता है तो गार्गी भी आज, गार्गी को भी छुट्टियां लगने वाली है तो गार्गी भी बहुत खुश है आज। थोड़ी देर पहले इतनी मस्त हवा चल रही थी, अभी हम खाना खा के नीचे उतर गए तो हवा बंद, मैंने चाहते क्या हो फिर हम घर में ही बैठे, आर्टिफिशियल ही हवा खाए, हाँ घूमने नहीं जाए बाहर, हाँ तेजू घूमने नहीं जाए बाहर, हवा नहीं दोगे भगवान जी, हवा दे दो भाई। ऑटो वाला कहाँ के अभी हो, F1 रेसर ही होता है। पूरा प्रैक्टिस कर लेते हैं वो, ऐसे स्विंग करके निकलते हैं ना ऑटो वाले सिटी या भीड़ में से, बस भाई साहब जैसे कि उनको पर ही लग गए हो, उनके लिए ये कुछ होता नहीं सिग्नल वगैरह या ट्रैफिक वगैरह, ये कुछ नहीं होता उनके लिए, उनके लिए ये छोटी चीज़ है, हाँ दीजिए पूरा छोटी चीज़ है, जूम करके निकल लेते हो पूरा F1 ट्रैक, ये देखो ये यहाँ पे ना कुछ दिनों से थार खड़ा था वाइट कलर का, और हम डेली देखते थे उसको, थार को जब भी उसको देखता था ना दिल कर देता कि थार ही ले लेते, हाँ भाई पोलो लेने से बजाय थार ले लेते हैं। हाँ बेटा, बट लेकिन अपना बजट ही नहीं था बेटना उतना, और वेटिंग बहुत ऐप है थार को, एक साल का वेटिंग है भाई, एक साल कौन रुकता है, हाँ गार्गी है? हाँ। और वो भी पेट्रोल में कौन लेगा उस थार को, डीजल लेंगे बेटा, डीजल आएगा 14 से 15 लाख का, फिर पेट्रोल ले लेंगे। पेट्रोल होगा क्या अपने से बेटा, तो उसको CNG में बैठाना पड़ेगा पीछे से। कैसा लगेगा तेजू, थार लेके घूम रहे उसके पीछे CNG लगाया है। थार के पीछे CNG, थार चला रहे हो और किस पे, CNG पे, वो कितना अजब गजब लगेगा जब उस CNG पंप पे लेके जाओगे, साथ आजू बाजू लोग देखने लग जाएगा,
ये पगला है, थार को सीएनजी पे चला रहा है हाँ बेटा सोच के भी हंसी आ रही है भाई लोगों के पास देखो पैसा, BMW, मर्सिडीज बेंज, और अपन देखो 11 नंबर की गाड़ी पकड़ के चल रहे हैं भाई। पैसा हो तो इतना हो, ना तो ना हो। आके बैठ गए भाई हमारे एमपी थिएटर में। ये एमपी थिएटर ही है हमारा, एमपी थिएटर है। यहाँ से बैठ के हम सिर्फ नज़ारे देखते हैं, यहाँ से कौन सी कलर की गाड़ी जा रही है और वहाँ से कौन सी कलर की गाड़ी जा रही है, कौन सी गाड़ी किसको ठोके जा रही है और किसको नहीं ठोके जा रही है, बस यही काम करते हैं हम यहीं पे बैठ के। अभी ना हवा स्टार्ट हो गई है तो अभी थोड़ा बढ़िया फील हो रहा है। पीछे से पूरा गीला, पूरा गीला 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 गीला। हाँ वो तो चलते रहते हैं बेटा। ये हमारा एमपी थिएटर है भाई, एमपी थिएटर। काम कर रहे बेटा बेचारे लोग। देखो ये बोर्ड लगाएंगे और कल कॉरपोरेशन की गाड़ी आएगी, सब बोर्ड उठा के निकी चली जाएगी। गार्गी को भी पता है कॉरपोरेशन का गाड़ी आएगा और ये सब उतार के निकाल के चला जाएगा। ये देखो ये हमारे एमपी थिएटर में ये पिक्चर चलती रहती है। ए भाई मेरिडियन ही है, जिप मेरिडियन यहीं आ रही है। कंपास नहीं बेटा, मेरिडियन है वो, जीप का मेरिडियन है। थोड़ा कितना लंबा चौड़ा गाड़ी भाई। गार्गी कब से पीछे लगी है, मुझे आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम खाना है। चलो भाई इसको आइसक्रीम खिला ही देते हैं आज। यानी दो, एक या दो दिन के बाद आइसक्रीम खा ही रही है गार्गी। आ गए हैं घर पे, थोड़ी देर बैठे हैं, गार्गी आइसक्रीम खा रही है। तो अभी करते हैं वीडियो का एडिटिंग। ये वीडियो आपको कल देखने के लिए मिल जाएगा, यानी आप आज देख रहे हो वीडियो, हमें ये वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो सही में पसंद आया होगा, प्लीज़ डू लाइक और शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक सब्सक्राइबर बढ़ गया और एक सब्सक्राइबर बढ़ा है हमारा, वो मुझे पता है कि वो सब्सक्राइबर कौन है, पर स्टिल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार बढ़ाइए। और हाँ सब्सक्राइबर बढ़ाइए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो फॉर टुडे साइनिंग ऑफ और मिलते हैं कल की वीडियो में।